देखिए 22 नंबर, एक्सप्रेस द एचसीएफ ऑफ 468 एंड 222 एज 466 एंड 222 वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स इन टू डिफरेंट वेज। अच्छा, हमें इसे दो डिफरेंट वेज में इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है एचसीएफ ऑफ इतना एंड इतना। इन दोनों के एचसीएफ को इस फॉर्म में, यानी कि दो डिफरेंट फॉर्म में, इसी तरह से फॉर्म होगा लेकिन वो दोनों डिफरेंट फॉर्म होगा, और यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि 468 जो है ग्रेटर है 222 से, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए जो होगा आपका 468 हो जाएगा और बी जो होगा आपका 222 हो जाएगा। अब ये लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर जो होगा जीरो से ग्रेटर या जीरो के इक्वल होगा बट लेस देन होगा बी। अब स्टेप फर्स्ट में इधर एक 468 और इधर 222, तो इसे डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू टाइम्स में आपका 444, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ 24 आएगा, तो इनटू में 2 और प्लस में 24। अब देखिए रिमाइंडर जीरो नहीं है तो अगला स्टेप लेते हैं, स्टेप सेकंड, और फिर आपको को डिवीजर लेना होगा और रिमाइंडर लेना होगा, और फिर वही स्टेप करेंगे, यहाँ पर इक्विलिट डिवीजन लेमा का यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 टाइम्स में 216 हो जाएगा, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 6, तो इनटू में आपका 9 और प्लस में 6। अभी भी आपका रिमाइंडर जो है जीरो नहीं आया, तो फिर वन सेकेंड हमें अगला स्टेप लेना होगा, स्टेप थर्ड, इधर आपका 24 है इधर 6 फोर जा आपका 24 आ जाएगा, रिमाइंडर आपका जीरो आ गया, तो यहाँ जो एच सी एफ होगा वह आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एच सी एफ हमने 6 निकाल दिया, एच सी एफ क्या निकाल दिया, 6, हमें इस फॉर्म में इसे चेंज करना है, तो चलिए हमें करना क्या होगा, इसी के हम लोग रिवर्स प्रोसेस करते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नाउ हम लोग 6 इक्वल टू में, यानी एच सी एफ इक्वल टू में इसके पहले वाले स्टेप से क्या ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 222 और माइनस 24 इंटू में 9, ये कैसे हुआ, स्टेप सेकेंड से हुआ। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 6 इक्वल टू में 222 माइनस, यहाँ पर मैं 24 के इस प्लेस पर, ये 24 के प्लेस पर इसको इधर लाके माइनस क्या कर सकते हैं ना, तो हो जाएगा 468 माइनस का 222 इंटू 2 और बाहर आपका क्या है, 9 है। ठीक है, हमने 24 का वैल्यू रख दिया स्टेप फर्स्ट से। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, 6 इक्वल टू 222 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, 468 इंटू में 9 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 222 इंटू में 18 है ना। चलिए तो अब 6 इक्वल टू में हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं, 468 इंटू में माइनस 9, ये माइनस में है, और प्लस इन दोनों को देख लो, इन दोनों को आप यहाँ पे ऐड कर दोगे तो 222 इंटू में क्या हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा। तो एक फॉर्म हो गया, एक फॉर्म आपका हो गया, हमें दो तरीके से रिप्रेजेंट करना ना, तो एक फॉर्म तो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे फॉर्म में लाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, नाउ देखो अब मैं क्या करता हूँ, नाउ 6 इक्वल टू में आपका 468 इंटू में माइनस का 9 और प्लस 222 इंटू में 19 है। मैं यहाँ क्या करूँगा, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लूँगा 468 इंटू में 222 और एक बार ऐड कर लूँगा 468 इंटू में 222, एक बार सब्ट्रैक्ट किए और एक बार ऐड कर लिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसको और इसको लेकर इसमें से कॉमन कर लेते हैं और इसमें से कॉमन करते हैं, तो 6 इक्वल टू इसमें कॉमन करोगे क्या कॉमन होगा, तो आपका 468, तो यहाँ आपका माइनस का 9 और प्लस का यहाँ 222, फिर प्लस यहाँ पे देखो इन दोनों में से हम लोग यहाँ कॉमन करेंगे 222 को, तो यहाँ पे 19 और यहाँ माइनस का 468, यही ना हो जाएगा। चलिए 6 इक्वल टू में यहाँ पे 468 और इनटू में यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 213, ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और प्लस यहाँ 222 और इनटू में आपका हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 449, यही ना होगा। तो हमने ये दूसरा वे भी दिखा दिया, तो यही दो क्वेश्चन आपके बचे हुए थे, मैंने बता दिया आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा,
पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रवि कांत सर, भारती भवन रवि कांत सर, भारती भवन रवि कांत सर, रवि कांत सर। और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।